सिरसा 23 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये उन लोगों को बताना चाहिए जो जाट एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अपने जाकर के खड़े होकर के और 36 बरादरी का भाषण सुनाते हैं और इकट्ठे हो जाओ भाइयों, फिर पीएम भी हमारा, सीएम भी हमारा, ये कहाँ से आ गया खट्टर पट्टर। जो लोग धारा 144 लगने के बाद 6-6 महीने तक धरना चला सकते हैं और रोज तीसरे दिन रोड जाम कर सकते हैं, वहाँ कोई विरोध नहीं आता, वहाँ सरकार बोनी पड़ जाती है। और जूता बाटा का, लोहा टाटा का, छोरा जाटा का, बाकी गुलाम आ गए। तो ये कौन फैला रहा है? उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम कमांडर रहे, आरोप राजकुमार पे लगा रहे जातिया भेदभाव के। देखिए कमाल, जिनका सब कुछ लूट गया, जो 12% पे रह गए वो क्यों बोल रहे? वो अपनी जाति, अपने वर्ग, अपने पक्ष, उन लोगों के पक्ष में क्यों बोल रहे? वो तो फिर जातिवाद फैला रहे। और जो सब कुछ लूट लेंगे वहां कोई जातिवाद नहीं हुआ, वहां 5 मुख्यमंत्री एक ही काम करते रहे, जिस वजह लाल से भी आपका सरोकार रहा, बिश्नोई बनकर के वो भी नॉन जाट बने रहे, उसी समाज से संबंध रखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला एंड कंपनी क्या है, सवेर से लेकर के कैंचियां जेब कुतरने के लिए पूरा परिवार निकलता है, कौन सा गेहूं काटने जाना है? जो ऐसी समाज हमारे साथ काफी सारे तौर पे जुड़ा हुआ है, उनकी भावना है कि भी हम बसपा से गठबंधन करें। ये बात हमारे बीच में कई नेताओं ने भी रखी है, उधर से भी नेताओं ने रखी है, लेकिन अभी पर्स पर ऑन द फ्लोर कोई बात अभी हमने बीच में नहीं, टेबल पे कोई बात नहीं है, टेबल पे अभी कोई बात नहीं। तो हालात बने तो सर, हो सकता है आप बसपा के? हाँ हो सकता है, हो तो सब कुछ सकता है।